मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां कोरोना से संक्रमित 16 नए मरीज मिले हैं। 3 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरबा में 12, कांकेर में 3 और बेमित्रा में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में 148 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं अब तक 59 मरीज ठीक होने के बाद घर भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बाकी राज्यों से काफी हद तक बेहतर है, अभी भी बेहतर है, पर जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर बात करें कोरबा की तो वो शुरुआत से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है। ज्यादातर जो मामले हैं छत्तीसगढ़ में वो कोरबा से ही निकलकर सामने आए हैं। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो संख्या है वो बढ़ गई है। कोरबा से 12 मामले सामने आए हैं और अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर 148 पर पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित 16 नए मरीज और मिले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, राजधानी रायपुर की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, शुरुआत से ही हालात काफी बेहतर है, पर अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल नवंदीप, हम बात करें तो एक समय ऐसा था कि कयास लगा जा रहा था कि बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ कोरोना पॉजिटिव मुक्त हो जाएगा और मरीजों की संख्या बहुत जितने तेजी से मरीज आ रहे थे उतने तेजी से वो ठीक भी हो रहे थे। और इसके चलते एम्स का चारों ओर प्रसिद्धि हुई और एम्स से इलाज के लिए वहां से सहयोग मांगा गया, सार्क देशों तक बात गई, सार्क देशों को यहां से वीडियो बनाकर भेजा गया, इलाज पद्धति को वहां से अवगत कराया गया कि हम मरीजों को किस तरह से ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से चौथा लॉकडाउन की बात करें तो परिस्थिति बदल गई है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब संख्या बढ़कर 148 हो गई है और एक्टिव केसेस की बात करें तो 89 एक्टिव केसेस है और वही 59 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इस तरह लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। अब चूंकि जो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर थे उनको राज्य में लाया जा रहा है और उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, तो यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो घिरा हुआ है, उनमें जंगल है, पठार है, इसके जो रास्ते से जो लोग अवैध तरीके से यहाँ आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनको ढूंढ पाना एक स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग की दावा की माने तो उनका कहना है कि उनके 18,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिन्हों मजदूरों के रखने के लिए 6,00,000 मजदूरों के लिए कैपेसिटी है और उनके लगातार रैंडम सैंपलिंग जारी है। तो इस तरह स्वास्थ्य विभाग अपना दावा कर रहे हैं और शर्तों के अधीन छत्तीसगढ़ में पूरे छूट दे दी गई है और छत्तीसगढ़ सत्या। और इसमें देखने वाली बात ये भी है सत्या, इसमें देखने वाली बात ये भी है कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन था छत्तीसगढ़ में तब आंकड़े काफी कम निकल कर सामने आ रहे थे, पर जिस तरह से छूट दे दी गई है, सैलून खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए, मार्केट खोल दिए गए, उसके बाद से जो आंकड़ा है वो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये छूट का ये संक्रमण का दौर नहीं रहा है, संक्रमण का इसका कहीं भी दो ही मामले आए हैं, जो कि एक रायपुर के मामले से आया था और एक राजनांदगांव से आया है, जो डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर था जिसे ड्यूटी के दौरान संक्रमित होना पाया गया है। लेकिन यहाँ पे संक्रमण का नहीं है, जितने भी बाहर से मजदूर यहाँ पहुंच रहे हैं, राज्य में पहुंच रहे हैं, वो एक एक करके मजदूर हैं। आज जो 16 लोग पॉजिटिव मिले हैं उनमें सभी मजदूर हैं, 12 कोरबा से हैं, 3 कांकेर से हैं और 1 बेमेतरा। ये बड़ी बात यह है कि बेमेतरा ये पहला पॉजिटिव मरीज है। तो इस तरह लगातार जो पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है जी। और अगर कोरबा की बात करें तो शुरुआत से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, ज्यादातर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उसी क्षेत्र में से निकलकर सामने आए हैं। जी पहले ये जब छत्तीसगढ़ में कयास लगाया जा रहा था कि ये कोरोना मुक्त हो जाएगा, उस दौरान जो दिल्ली से मामले निकल कर आए वो हॉस्पिटल पार्ट कटघोरा बना था, जहां से 28 मामले सर्वाधिक मामले उस दौरान आए थे और अब फिर 2 केस आए, उसके बाद 6 दिन बाद आज सीधा सीधा 12 केस सामने आए। तो इस तरह सर्वाधिक केस कोरबा से ही है जी। चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अब 16 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से ये 3 जिले के बताए जा रहे हैं, कोरबा के 12 हैं, कांकेर से 3 हैं और बेमित्रा से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं।
चलिए बात करेंगे अब धार की, जहाँ कोरोना